नमस्कार। अगर आप नौकरी कर रहे हो, अगर आप जॉब कर रहे हो, तो ये 7 बातें अपने आप से पूछना। आप कहोगे सर हम अच्छी भली जॉब कर रहे हैं, हमारा अच्छा भला जॉब चल रहा है, हम अपने आप से ये 7 बातें क्यों पूछें? राइट बात। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये 7 बातें अपने आप से क्यों पूछनी चाहिए जॉब करते समय। अगर ये 7 बातें अगर आप अपने आप से पूछोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार क्या मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या वाकई में मैं सही दिशा में जा रहा हूं, क्या वाकई में जहां मैं जॉब कर रहा हूं वाकई में मेरे लिए सही है, सुटेबल है। अगर इन 7 सवालों का जवाब सही आया तो बिल्कुल राइट, आप सही दिशा में जा रहे हो, आप अपने जीवन का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की दिशा में जा रहे हो। लेकिन अगर इन 7 बातों में से आपके जवाब सही नहीं आए तो हो सकता है कि आप गलत वे पे जा रहे हो सकता है कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो सकता है कि आपको रास्ता बदलना भी पड़े। ये 7 बातें अपने आप से जरूर पूछना अगर आप जॉब करते हो तो। नंबर 1, सबसे पहले पूछना कि क्या आप अपनी नौकरी से खुश हैं। ये सवाल अपने आप से पूछना कि जहां आप जॉब कर रहे हैं आप खुश हैं, क्योंकि यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जहां आप जॉब पर जा रहे हो अगर आप उस जॉब के लिए खुश हो, एक्साइटेड हो, तो पता है क्या होगा, आप उस कंपनी के लिए अच्छा वर्क करोगे, आप सोसाइटी में अच्छा रहोगे, आप अपने घर पे अच्छे रहोगे, आप हर जगह अच्छा ही अच्छा रहोगे। लेकिन अगर आप अपनी नौकरी से खुश नहीं हो ना, तो आप अपने समाज में खुश नहीं रह सकोगे, आप अपने परिवार में खुश नहीं रह सकोगे, और आप सबसे पहले आपका दिल आपसे खुश नहीं होगा। क्योंकि जिस नौकरी पर आप जा रहे हो उस नौकरी आपको पसंद नहीं है तो फिर वह नौकरी किसका। दूसरा, जहां जिस नौकरी पर आप जा रहे हो क्या उसमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है आपको? आप वहीं रोज जॉब जा रहे हो, वहीं रोज घर से आ रहे हो, आपको कुछ नया नहीं सीखने को मिल रहा है तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी, आप कैसे जीवन में आगे बढ़ोगे? आप जिस जॉब से स्टार्ट किए हो ना उसी जॉब पर रह जाओगे अगर आप कुछ समथिंग न्यू डिफरेंट नहीं लर्न कर रहे हो तो। आपको कुछ तो नया सीखना होगा, आपको कुछ तो नया करना होगा, तभी आपकी ग्रोथ होगी। थर्ड, क्या आप कंपनी के कल्चर से खुश हो? जहां आप जॉब जाते हो क्या जो वहां का जो वातावरण है आपको कुछ सीखने को देता है? क्या वहां से कुछ नई नई बातें निकल के आती है? क्या वहां आपको गुड फीलिंग आती है? अगर आप जहां जॉब पर जाते हो और वहां का कल्चर अच्छा है, वहां पर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, तो बिल्कुल डेफिनेटली इट्स गुड फॉर यू, इट्स हेल्प इंक्रीजिंग योर फ्यूचर, अदरवाइज यू विल स्पॉइल योर फ्यूचर। डेफिनेटली कहीं पे भी अगर आप जॉब कर रहे हो तो वहां का आसपास का कल्चर आपके लिए सुटेबल होना चाहिए, आपके लिए अच्छा होना चाहिए, तभी आप कुछ अच्छा कर पाओगे। फोर्थ, क्या आपके साथ में काम करने वाले कलीग आपके साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं? कभी कभी ऐसा भी माहौल होता है किसी कंपनी में, जॉब अच्छी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन वहां के जो साथ में काम करने वाले होते हैं ना वो अच्छे नहीं होते, वो एक दूसरे की टांग खींची करने लगते हैं। सेल्स में तो यही होता है, जब टारगेट होता है सब अपना टारगेट के पीछे भागते हैं, एक दूसरे को टारगेट मतलब कम करने की कोशिश करते हैं और बस अपने आप को आगे निकलने की कोशिश करते हैं। जिस जॉब में आप वर्क कर रहे हो अगर आपके कलीग आपके साथी अगर आपके सपोर्ट करने वाले नहीं है ना, तो समझ लेना कि हो सकता है कि कोई ना कोई आपको आपकी राह में बाधा बनेगा। फिफ्थ, आपका मैनेजर क्या आपकी बातों को आपके सुझाव को महत्व देता है? बहुत सी जगह ऐसी भी बात होती है, आप कंपनी के लिए जी जान लगाते हो, खूब मेहनत करते हो, आप कंपनी के लिए नए नए आइडिया लाते हो, आप नई कंपनी के नए नए सुझाव देते हो अपने मैनेजर को देते हो, आपका मैनेजर मानता है तो बहुत ही अच्छी बात। लेकिन बहुत से मैनेजर ऐसे होते हैं जो उनको लगता है कि मैं इसकी बात मानूंगा तो इसको क्रेडिट चला जाएगा और ये मेरे से ऊपर चला जाएगा।
बहुत से मैनेजर आपका क्रेडिट भी वो खुद ले लेते हैं और कभी-कभी तो आपका सुझाव भी नहीं मानते। अगर ऐसा होता है ना आपकी कंपनी में भी, तो सोच लेना एक बार। आप उस कंपनी के लिए जी जान लगा रहे हो, रहा वो मैनेजर आपको महत्व नहीं दे रहा है, आपकी सुझाव का महत्व न दे रहा, तो फिर वो नौकरी आपके लिए किस काम की, जरूर सोचना है। 6, क्या आपका काम आपको संतुष्टि देता है? बहुत से लोग क्या करते हैं, जॉब जाते हो और दिन भर जॉब करते हो, घर पे आते हैं और बस एक बर्डन लेके चलते हैं बस, अरे यार वो काम करना है, संतुष्टि नहीं होती है, काम का बर्डन होता है सिर पे, मेरे को वो कल काम करना है यार, बस घर पे आके फिर वो थके हारे, वो संतुष्टि का नाम नहीं होता। अगर आपका जॉब, आप दिन भर कहीं पे भी कंपनी में वर्क कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप शाम को घर पर आकर आपको संतुष्टि फील होती है, आपको गुड फील होता है कि नहीं यार इस कंपनी में मैंने जॉब किया, मेरे को एक अच्छी फीलिंग आई है, तो डेफिनेटली गुड फॉर यू, ये आपके भविष्य के लिए अच्छा है, क्योंकि आप भी बढ़ोगे तो कंपनी भी बढ़ेगी, आपकी ग्रोथ भी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आप अपने काम से संतुष्ट नहीं है ना, तो वो जॉब आपके लिए सुटेबल नहीं है। 7, आपके काम से कितना खुश हो? जब आप वहाँ से काम करके आते हो ना, तो आपके काम से आपको एक गुड फीलिंग आनी चाहिए, आपको होना चाहिए कि यार मैंने आज काम किया, अच्छा काम किया है। अगर आप इससे क्या होगा, आप अच्छा काम करोगे, कंपनी की तो ग्रोथ होगी ही, लेकिन यू पर्सनली, आपकी पर्सनली भी ग्रोथ होगी, क्योंकि अगर कोई कंपनी अगर आपको महत्व नहीं दे रही ना, तो दूसरी कंपनी तुरंत आपको हायर कर लेगी, बिकॉज यू हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ एबिलिटी इन यूअर्स। अगर आपके अंदर एक अच्छी एबिलिटी होगी, अच्छा काम करने का तरीका होगा, आप अच्छे कस्टमर्स हैंडल कर पाओगे और आप अपने काम से संतुष्ट होंगे ना, खुश होंगे ना, हर कोई कंपनी आपको हायर करने की कोशिश करेगी। तो ये 7 बातें आपको अपने आप से जरूर पूछनी चाहिए जॉब करते समय। इन 7 बातों से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस अगर ये 7 बातें सही है ना, तो आपकी तरक्की होगी, आप जीवन में आगे बढ़ोगे और आप किसी भी कंपनी में काम करते हुए टॉप पर पहुंचोगे अगर इन 7 बातों से आप संतुष्ट हो तो।